नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नंदिनी नम्रता के बारे में ही सोच रही होती है कि जब वो रूम में गई थी तो वो किसी से फोन पे हंस हंस के बात कर रही थी, तभी वो कहती है कि हो सकता है कि उसे ही गलत लग रहा हो। यहाँ पे नंदिनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो नम्रता है वो चारू से कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया और तुम तो हो कि समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, पर जो नंदिनी है वो नहीं समझेगी। यहाँ पे वो नंदिनी के खिलाफ भड़काने लगती है। तभी यहाँ पे नम्रता कहती है कि प्लीज ये बात तुम माँ या फिर किसी को भी मत बताना। तो यहाँ पे चार्मी कहती है कि हाँ ठीक है, और ये जो तुम्हारे नकली घाव है उसे सच बताना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे वो कहती है ठीक है, मैं तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। तो यहाँ पे पूछती है कि कौन सा काम। तो ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि नंदिनी इस घर से निकल जाए। तो ये सुनने के बाद नम्रता कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा काम जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं और ये दोनों मिलकर नंदिनी को घर से निकालने वाले हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे आतिश आ जाता है। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि यहाँ पे वही इंसान है जो उससे रास्ते में मिले थे। तभी यहाँ पे वो इंसान पूछता है कि आप यहाँ पे, तो नंदिनी बताती है कि ये मेरा ससुराल है। तो वो इंसान भी बताता है कि ये तो मेरा भी ससुराल है, मैं नम्रता का हस्बैंड हूँ। तो यहाँ पे नंदिनी बताती है कि मैं दर्श की पत्नी हूँ। तो यहाँ पे ये बता ही रही होती है कि यहाँ पे दर्श आ जाते हैं और वो आतिश को मारने लगते हैं। यहाँ पे आतिश पूछता है कि हुआ कि आप ऐसे क्यों मार रहे हो। तभी यहाँ पे पूरी फैमिली ही आ जाती है और यहाँ पे नम्रता जब देखती है अपने हस्बैंड को थोड़ा घबरा जाती है, कहीं सच पता ना चल जाए। यहाँ पे आतिश पूछ रहा होता है पर कोई नहीं बताता है, बल्कि यहाँ पे शोभित और दर्श इसे मारने लगते हैं। और यहाँ पे जो नम्रता है वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे फिर से वैसे ही बिहेव करने आए हो ना। यहाँ पे आतिश पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, और यहाँ पे जो नम्रता उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देती है। और यहाँ पे आतिश सबको बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, नम्रता ही झूठ बोल रही है। पर यहाँ पे किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सब लोग राजवी को ढूंढते हैं। तो राजवी मंदिर के पास होती है और वो रो रही होती है, तो सब लोग उन्हें जाकर संभालते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आतिश भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्श कहते हैं कि तुम तो उनसे पहली बार मिली हो ना। तो नंदिनी बताती कि नहीं, मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो अपनी पत्नी पे हाथ उठा सकते, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे नम्रता कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो यहाँ पे यही सब बहस होते हैं। फिर जो दर्श है इस चीज को संभाल लेता है। फिर आगे दिखाया जाता है, यहाँ पे जो दर्श है वो नंदिनी को समझाता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा, और जो नम्रता है वो झूठ ही क्यों बोलेगी। तो यहाँ पे ये सब लोग बात करते हैं तो इतना इशू नहीं बनता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुबह हो जाता है और यहाँ पे नंदिनी, राजवी और पारुल इन सबका फास्ट होता है। तो दर्श ही इन सब के लिए कुछ मीठा बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी आती है, सब लोग बैठते हैं और दर्श ही अपने हाथों से सबको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग खाने से पहले पूजा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चार्मी आ जाती है और वो नंदिनी का खीर जानबूझ के गिरा देती है और नंदिनी को ऐसा लगता है कि उससे गलती से हो गया है। तभी यहाँ पे वो मन ही मन सोचती है कि वो दर्श के सर्व किए हुए कैसे खाने देगी। तो यहाँ पे चार्मी भी कहती है सबसे कि वो भी फास्ट करेगी, पर यहाँ पे सब लोग उसे मना करते हैं, पर वो नहीं मानती है, वो कहती है कि वो फास्ट रखेगी। तो सब लोग मान जाते हैं। फिर यहाँ पे हम सब ये लोग खीर खाते हैं। तभी आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब नंदिनी रूम के अंदर आती है तो दर्श कहता है कि नंदिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे इतनी सीरियस होकर बोलता है जैसे कि कुछ बताना है। तभी वो कबर्ड में जाता है और खाने का चीज सब निकाल कर आता है और कहता है तुमको जो खाना है खा लो, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। पर यहाँ पे जो नंदिनी है वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं मैं ये फास्ट करूँगी, वो भी दिल से, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दर्श बहुत बार इसे मनाने की कोशिश करता है पर ये नहीं मानती है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना।